नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बार बेहद ही चौंकाने वाले रहे। मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में भले ही कामयाब ना हो पाए हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन की सरकार बनाई है। कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने एक बार फिर से पीएम की कमान संभाल ली है। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर बड़ी बड़ी हस्तियों ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों ने दिल खोलकर पीएम मोदी को बधाई दी थी। वहीं साउथ इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने भी पीएम मोदी को बधाई दी थी। फिल्म कांतारे जैसे फिल्मों में काम कर चुके साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी ने एक्स पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी और लिखा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। हम विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को गहराई से महत्व देते हैं। वहीं साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने पीएम मोदी को बधाई दी और लिखा, ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई। मैं आपके और आपके मंत्रिमंडल के सभी अद्भुत मंत्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश को समृद्धि और गौरव के पथ पर आगे ले जाए। इसके अलावा साउथ सुपरस्टार विजय थलापति ने लिखा, मैं थीरू को अपनी बधाई देता हूँ नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ लेने पर। वहीं महेश बाबू ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, बधाई हो सर हमारे प्रधानमंत्री के रूप में आपकी शानदार जीत पर। एक मजबूत और उज्जवल भारत के निर्माण में आपकी निरंतर सफलता की कामना करता हूँ। इतना ही नहीं, रामचरण ने लिखा, भारत के प्रिय प्रधानमंत्री को बधाई। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए सरकार आपका ऐतिहासिक तीसरा कार्यकाल शुरू कर रही है। आपके शासनकाल में अधिक समृद्धि भारत की आशा करता हूँ। जय हिंद। तो लिखा, आपने साउथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से काफी खुश है। बता दें कि लोकसभा के 543 सीटों पर नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार 293 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन 234 सीटें जीतने में कामयाब है। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम बनने से मोदी विरोधी बौखलाए हुए हैं। प्रकाश राज से लेकर नसीरुद्दीन शाह को मोदी का फिर से पीएम बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वहीं मोदी समर्थक इस बात से काफी खुश है कि देश की कमान फिर से सही हाथों में आ गई है। बता दें कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड से जहां अक्षय कुमार, शाहरुख, अनुपम खेर और कंगना रनौत ने शिरकत की, तो वहीं साउथ से रजनीकांत शपथ समारोह में शामिल हुए थे। वहीं जिस तरह से साउथ की बड़ी बड़ी हस्तियों ने मोदी की तीसरी बार पीएम बनने पर खुशी जाहिर की है, उसे देख यकीनन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिढ़न जरूर होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।